हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसक्यूएल में ऑर्डर बाय कीवर्ड का। चलिए शुरू करते हैं। एसक्यूएल में हम लोग पहले सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास जो डेटा बना रखा था, क्या प्रोफाइल नाम का डेटा बनाता था, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट के इस्तेमाल करेंगे सिलेक्ट एस फ्रॉम प्रोफाइल। प्रोफाइल नाम का हमारा डेटा बेस है, तो हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारा डेटा यहाँ पे शुरू होकर आ गया। अब इसी में हम लोग लगाएंगे ऑर्डर बाय। हमेशा जो ऑर्डर बाय कीवर्ड लगेगा, जो भी कंडीशन की जो चीज़ें लगती हैं वो कहाँ लगती है हमारे पास, मतलब या जैसे ऑपरेटर यूज किया था हम लोगों ने, वेयर में लगा था। हम लोग अगर जिस कीवर्ड की बात करेंगे वो हमारा कीवर्ड क्या, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल, टेबल के बाद लगाएगा ऑर्डर बाय, और किस कॉलम में लगाना है उसका यहाँ पे नेम आएगा। असेंडिंग लगाना, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो शुरू करते हैं हम लोग, सेलेक्ट लिखते हैं, सेलेक्ट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोफाइल, हमने प्रोफाइल दे दिया। अब यहाँ पे लगाते हैं ऑर्डर बाय, तो लिखते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय किस में लगाना है, कंट्री में लगाना है, ठीक। हम लोगों ने ऑर्डर बाय कंट्री डाल दी और हम लोगों ने इंटर कर दिया, ठीक। तो अभी डेटा हमारा क्या हो गया, पहले क्या था, इंडिया था, जर्मनी था, बर्लिन था, यूएसए आ गया, ठीक। अब क्या हो गया, देखिए हमारा ऑर्डर बाय हम लोगों ने लगा दिया, तो हमारा कंट्री पहले बर्लिन आ गया, फिर जी आ गया, फिर आई आ गया, फिर तब जो हमारा एबीसीडी है, एबीसीडी की सीक्वेंस वाइज हमारा आ गया किसका, कंट्री में हम लोग ने जब ऑर्डर बाय लगाया। अगर हम लोग यहाँ पे दे देते हैं कि हमको कि ऑर्डर बाय कैसे चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर, उसका भी यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, सबसे पहले हमको देना है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डीईएससी। डीईएससी का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। हम लोग खाली चार वर्ड लिखेंगे आगे के, क्या डालेंगे, सिर्फ डी ई एस सी, मतलब होता है डिसेंडिंग, एंटर कर देंगे, कंट्री हमारे आगे डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले यूएसए आ गया, फिर इंडिया आ गया, फिर जर्मनी आ गया, फिर बर्लिन आ गया। अगर हम इसी में बात कर लेते हैं कि ऑर्डर बाय हमारा असेंडिंग ऑर्डर, तो क्या होगा, असेंडिंग में हम लोग लगाते हैं सिर्फ सिंपल चीज, वो भी क्या, ए एस सी लगाते हैं, बस ए एस सी हम लगाएंगे, हमारा क्या आ गया, ये सब जो कंट्री आ गया क्या किसमें आ जाएगी, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी, मतलब ए बी सी जो कैरेक्टर होता है उस कैरेक्टर में हम लोग को यहाँ पर डिस्प्ले होकर आ जाएगी। एंटर करेंगे तो हमारा डेटा किसमें आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ठीक। अब चाहते हैं कि हम एक ही साथ दो चीजों में लगाएं, एक कॉलम में असेंडिंग ऑर्डर लगाएं, एक कॉलम में क्या लगाएं, डिसेंडिंग ऑर्डर, चलो उसका भी हम लोग यूज कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोग कंट्री में लगाते हैं हम लोग असेंडिंग, ठीक, असेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे, और इसी में ले लेंगे जो नेम होगा, नेम में लगा देंगे हम लोग क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर, नेम में क्या देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर से हम लोग का डेटा प्रेजेंट होकर आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोफाइल, ऑर्डर बाय हमारा कीवर्ड है, और हम लोग ने इधर कंट्री, कंट्री किस में आ जाए, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, और नेम किस में आ जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब इंटर कर देंगे, तो सॉरी इसको इंटर करेंगे तो हमारा डेटा क्या आ गया, देखिए जो कंट्री था हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, और जो हमारा नेम था वो किस में आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये शो नहीं हो रहा है, चलिए एक बार, ओके ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है, कुछ एरर शो हो रहा है, चलिए इसको हटा देते हैं, आगे चेक करके बताएंगे क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चलिए हमने यहाँ पे नेम सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर लेते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा क्या आ गया, नेम आ गया। हम लोग सर्वल कॉलम को भी यहाँ पे एक साथ यूज कर सकते हैं, बट जो ये MySQL 8.0 है इसमें नहीं चल रहा है, ये वर्कबेंच में चलता है, बाकी बाकी जो SQL है उसमें ये चलता है, बट इसमें नहीं आया। आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जो लेटेस्ट वर्जन है 8.0, वो क्या है, इसमें कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे ऑर्डर बाय सर्वल कॉलम यहाँ पे नहीं ले रहा है, ठीक। जैसे कि हम लोग ने दो कॉलम में अलग अलग असेंडिंग और डिसेंडिंग यहाँ लगाने की कोशिश की, बट यहाँ पे नहीं लग रहा है। बट यहाँ पे एक और चेक करते हैं कि हमारे साथ दो कॉलम एक साथ दे रहा है नहीं, क्योंकि ये भी चेक करना जरूरी है। सॉरी टाइप क्यों कर रहे हैं, ऑर्डर पर डाल देते हैं, ऑर्डर पर क्या डाल देंगे, कंट्री और नेम डाल दिया। अब ये देखते हैं ये ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कि हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ ऑर्डर बाय में दो वैल्यू एक साथ डाल दी, ठीक। जैसे ऑर्डर बाय सर्वल कॉलम ये ले रहा है कि नहीं, देख चेक करते हैं, हाँ ये ले रहा है, क्योंकि ऑर्डर बाय हम लोगों ने नेम दिया और कंट्री दिया, तो दोनों हमारा क्या गया असेंडिंग, ये हमारा क्या गया असेंडिंग ऑर्डर में आ गया नेम, और ये हमारा कंट्री क्या गया किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ठीक। एक और चेक कर लेते हैं, इसको जरा चेंज करके देख लेते हैं, इस साइड दे देंगे कंट्री और उसमें देते हैं नेम।
अब ये देखिए हमारा क्या आ गया, ये एज इट इज आ गया, और जो हमारा कंट्री था क्या हो गया, इसमें नेम हमारा जो जो पहले जैसे था उसे आ गया, और कंट्री हमारा क्या आ गया इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ठीक, ये वर्क कर रहा है, बट हमारा नेम अभी वहाँ वर्क नहीं कर रहा है। जैसे प्रॉब्लम चेक करेंगे क्योंकि क्या इस लेटेस्ट वर्जन में ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हुई, इसके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।